हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाला है 8 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बंधन बैंक में जो है आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो है बंधन बैंक 7.49% का यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव देखने मिला और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 328.55 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है उसको जो है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे और उसमें जो है आपको कैसे यूज करना है थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या हो सकता है हम अपना एक ओपिनियन देंगे और एंड में यहाँ पे जो है आने वाले दिनों का जो है आपको एक छोटा सा हिंट भी जरूर दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारा वनडे का चार्ट। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर हम बात करें वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आज के दिन जो है वॉल्यूम में कहूँ तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। आज के दिन बहुत ही हाई वॉल्यूम है। साथ ही साथ यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे आज के दिन जो है कैंडल बनी है और पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जो है अपसाइड मूवमेंट आ रहा है। 1 तारीख से यहाँ पे जो मूवमेंट आया है अभी तक जो है यहाँ पे आपको कोई भी जो है डाउन साइड देखने नहीं मिला। ये स्टॉक जो है 5 के 5 दिन जो है आपको अपसाइड ही जाते हुए देखने मिला है। साथ ही साथ आज के दिन जो है वॉल्यूम भी आपको अच्छा देखने मिला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RSI की, RSI यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में जरूर आ चुका है, 75-76 के आसपास आ चुका है। लेकिन याद रखें हम जो है यहाँ पे अपने RSI या फिर सच कोई भी इंडिकेटर्स पे जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं तो यहाँ पे हमें जो है उसको भी जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे वन डे के चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमें लग रहा है ये स्टॉक में जो है और भी बड़ा मोमेंट आ सकता है। मुझे लग रहा है ये मंथ जो है यहाँ पे ये स्टॉक जो है अपना न्यू 52 वीक रेंज या फिर अपने 52 वीक रेंज तक जो है जरूर पहुँच सकता है। तो मैं कहूँगा इस स्टॉक में जो आप अपना ध्यान और वॉच लिस्ट में अगर नहीं रखा है तो ज़रूर ऐड कर ले। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स के जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे आप सभी को जो है हमारा क्या ओपिनियन बनता है उस स्टॉक में बताते हैं। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टॉक में होती है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है उसको मार्क करके यहाँ पे देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बाकी याद रखें हम जो है यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं कहते हैं। यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है वो आपको अपना एक डिसीजन बनाना है। यहाँ पे आपको एक अपना रिसर्च करते ही जो है आपको बाय या फिर सेल जो आपको करना है वो करना है यहाँ पे आपको अपना रिसर्च करके ही। बाकी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हमने कहा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन इस स्टॉक में क्या बनता है उसको ज़रूर हम जो है मार्क करके यहाँ पे आपको बताएंगे और यहाँ पे आपको जो है किस तरह से उसको यूज़ भी करना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। याद रखें हमने बहुत बार जो है एक्सप्लेन किया है हमारे बाकी पुराने वीडियोस में। अगर आप जो है न्यू सब्सक्राइबर है तो मैं कहूँगा हमारे पुराने वीडियोस को भी जो है ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे जो है हम हमारे पुराने वीडियोस में भी हमने बहुत जगह पे जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो किस तरह से यूज़ करना है हमने बताया है। और यहाँ पर मैं कहूँगा आप जो है यहाँ पर उसी को यूज़ करके जो है अपना एक अच्छा ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। याद रखें हमारे चैनल का मोटिव जो है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है चार्ट एनालाइज जो है हम किस तरह से करते हैं वो बताना है। और यहाँ पे जिस तरह से हम जो अपना चार्ट एनालाइज करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे जो है आप भी जो है जिस तरह से हम करते हैं उसी को देखते हुए जो है आप यहाँ पे ज़रूर जो है सीख जाओगे किस तरह से हम करते हैं। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपको कोई भी बुक्स अगर चाहिए तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दी है। यहाँ पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टिंग की और ट्रेडिंग की जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स के जो है नाम और यहाँ पे उनके लिंक दे दिए हैं तो ज़रूर जो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें आज के इसकी क्लोजिंग की बंधन बैंक की तो यहाँ पे 328.55 पे जो इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट आता है 325 का और डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो 330 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। याद है कि डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर स्टॉक घूमता रहा तो यहाँ पे जो है वो नो ट्रेडिंग एरिया हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको जो बिल्कुल भी
इस बीच जो है ट्रेड नहीं करना है, दोनों में से कौन से भी एक साइड में जो है क्रॉस करे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे क्या होता है मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने बताया है, तो मैं कहूँगा हमारे जो भी पुराने वीडियोस है उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे एक बार जो है मैं छोटा मैं जो है एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 325 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल का वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, और नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट आता है मतलब 320 का, यहाँ पे अपना जो है वो टारगेट बना देना। याद रखें यहाँ पे 3 डिजिट का हमारा जो है प्राइस है इस स्टॉक का, तो यहाँ पे उस बेसिस पे जो है आपको 1 या 2 या 3 जो है 3 से लेके 5 के यहाँ पे जो मैं कहूँगा 3 से लेके 5 के बीच में आप ज़रूर रख सकते हैं, या फिर 1 से लेके 2 के बीच में जो है आप अपना एक जो है डिफरेंस रख सकते हैं। मतलब यहाँ के अगर 320 का यहाँ पे सपोर्ट है तो हम 321 जो है हमारे टारगेट रख लेंगे, ताकि यहाँ पे जो हम इजिली टारगेट को अचीव कर पाए। आप ज़रूर जो है यहाँ पे 320 तक का आने का वेट भी ज़रूर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है और डाउन जाएगा तो यहाँ पे जो है आप वापस से कंफर्मेशन कैंडल, जैसे कि मैंने कहा 3 रेड कैंडल का वापस से वेट कर सकते हैं। याद रखें अगर अपसाइड गया तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। 3 ग्रीन कैंडल मतलब जैसे 330 के ऊपर गया तो आपको 3 ग्रीन कैंडल रेड, या यहाँ पे आपको जो है ग्रीन कैंडल देखनी है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, फिर 334 या फिर मैं कहूँ 334.0 एग्जैक्ट यहाँ पे जो है आप अपना एक टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा अगर वापस अगर आपको लॉन्ग लग रहा है और जाएगा तो यहाँ पे 334 के बाद जो है आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, और वापस से 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 ग्रीन कैंडल का जो वेट कर सकते हैं। याद रखिए 3 मतलब तीसरी क्लोजिंग तक आपको वेट करना है, चौथी पे आपको एंट्री लेना है, ये है याद रखना। बहुत सारे जन जो है यहाँ पे सिर्फ 2 देखते हैं, तीसरा अगर उनको लग रहा है कि अब उल्टा चलेगा तो यहाँ पे या तो एग्जिट कर देते या तो एंट्री कर देते। याद रखे आपको तीसरे के लिए वेट करना है, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल जो है वो तीसरा होता है। 2 सिर्फ आपको जो है यहाँ पे अलर्ट होने की बात करता है कि अब स्टॉक में जो क्या मोमेंट आने वाला है उसके लिए आप अलर्ट हो जाए, तीसरा आपको कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे जो है वो जो है मोमेंट जो है वो राइट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट करो, 4th कैंडल पे ही जो है एंट्री ले। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जन ने जो है मुझे यहाँ पे कमेंट करके कहा था कि उन्होंने जो है 2 देखा लेकिन 3rd वाला जो है यहाँ पे उनको लगा डाउन जाएगा, इसकी वजह से एग्जिट कर गए, उन्होंने ऑलरेडी जो पोजीशन रखी थी। इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, और 4th कैंडल पे ही जो आप अपनी एंट्री या फिर एग्जिट जो करना है तब करें 4th कैंडल पे ही। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो आपको 320 तक आते हुए कल के दिन जरूर देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो है 320 से लेकर 325 के बीच में मुझे लग रहा है ये स्टॉक की जो है क्लोजिंग होने वाली है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ओपनिंग जो है जरूर थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव देखने मिल सकती है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है 330 तक यहाँ पे जो है जरूर वापस से अपसाइड आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो वापस से थोड़ा सा एक डाउन साइड देख के यहाँ पे क्लोजिंग जो है 320 से लेकर 325 के बीच में देखने मिल सकते हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है कल के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा मोमेंट आ सकता है। बाकी अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।